और ये सब अलग अलग गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। अभी मतलब आज गणपति का पहला दिन है, सो हम लोग जा रहे हैं गोरेगांव। गोरेगांव के जितने मतलब गोरेगांव वेस्ट का ईस्ट ईस्ट वेस्ट ईस्ट जाएंगे यार। अरे ईस्ट ना, गोरेगांव ईस्ट जा रहे हैं हम लोग। तो गोरेगांव ईस्ट जाके गोरेगांव ईस्ट के गणपति देखेंगे सब जितने भी आए हुए आज के दिन। सो एंडिंग तक बने रहना, गणपति देखना गोरेगांव के हर दिन, मतलब पूरे 11 दिन अलग अलग गणपति देखना दिखाऊंगा, अलग अलग जगह के, कभी मलार तो कभी कांदेली कभी बोरीवली, सबके गणपति देखने मिलेगा। अभी से सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, क्योंकि गणपति बहुत सारे मिलने वाले देखने। तो चलो अभी गोरेगांव के खोज में निकल जाते, खोज में नहीं, गोरेगांव के गणपतियों के खोज में निकल जाते, लेट्स गो। अभी हम लोग चालू कर दिए गणपति ढूंढना और गणपति देखना। फिलहाल एक गणपति दिखे, अभी और अंदर अंदर जाएंगे, शायद हम लोग वेस्ट में भी चले जाएंगे गणपति ढूंढने, लेकिन आज पूरे गोरेगांव के गणपति ढूंढेंगे, लेट्स गो गाइस। अभी फिलहाल हम लोग गोरेगांव वेस्ट आ गए, क्योंकि गोरेगांव ईस्ट में गणपति तो है ही नहीं, है मतलब छोटे छोटे, बड़े बड़े मंडप में छोटे छोटे गणपति आए। तो अभी हम लोग गोरेगांव देख रहे हैं, यहाँ पे देखो फिलहाल गोरेगांव का राजा करके लगाया है, तो लेट्स सी इधर का गणपति का भी हाइट छोटा ही रहेगा शायद, गणपति का हाइट भी छोटा है। अंबर तुझे गुण गाती, तारे हे वारे तुझे नाम गेती, धरती हे अंबर तुझे गुण गाती, तारे हे वारे तुझे नाम गेती। गाइस मलाडी मतलब गोरेगांव वेस्ट में भी गणपति दिख ही नहीं रहे बड़े यार, पता नहीं क्या हो गया, गणपति बड़े बड़े है नहीं। चलो गाइस एट लास्ट गोरेगांव वेस्ट में कुछ गणपति देखने मिला है। सो यहाँ पे फुल मोती के गणपति बने हुए, देखो पूरा मोती का स्ट्रक्चर है उनका, और सही गणपति मतलब कितने फुट के रहेंगे, एटलीस्ट 5 फुट के रहेंगे शायद ना कुछ। तो गाइस गोरेगांव वेस्ट में एक और बड़ा गणपति देखने मिले हम लोग को, सो आपको दिखाता हूँ फटाक से, एक मिनट को। ये है वो गणपति, इनकी हाइट पता नहीं कितनी लेकिन बड़ी है, और ये सब अलग अलग मूर्तियाँ रखी गई। ये माता जी है यहाँ पे शायद, हाँ यहाँ माता जी है, और शायद यहाँ पे कहानी बताए थे, वो होता है ना परफॉर्मेंस कहानी का, और ये गणपति की हाइट है पता नहीं कितनी, शायद 11 से 12 फुट की रहेगी, पता गणपति का साइज पूछ गया मस्त। इनको अभी तक धक्के लगा है क्योंकि इनको अभी तक खोला नहीं गया है, इनकी आरती भी बाकी अभी भी। तो मेरा अंदाज़ा सही था, ये मूर्ति 12 फुट की है, और मतलब मूर्ति का साइज़ तो 10 है लेकिन उनके ऊपर का स्ट्रक्चर गिना के 12 फुट की। गाइस हम लोग गणपति ढूंढते ढूंढते जवान नगर आ गए, जो गोरेगांव के गोरेगांव वेस्ट के एकदम अंदर के साइड है। जवान नगर का महाराजा बहुत नाम सुना है, तो फिलहाल उनको भी देखने आ ही गए हम लोग, मतलब और ऊपर से बहुत सारे लोग हैं साथ में, तो कुछ नहीं होता है, तो फिर भी हम लोग को गणपति इतने देखने नहीं मिल रहे। अभी देखते हैं जवान नगर के राजा को देखने मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो यार, फटाफट लाइक करो यार, फटाफट लाइक करो। डोंट नो व्हाई लेकिन इस बार गोरेगांव में इतने बड़े गणपति नहीं आए हुए, लेट्स सी, देखते हैं अभी इधर जवान नगर का राजा कैसे होते। ऐसे देखो अभी फिलहाल तो मंडप बन रहा है जवान नगर के गणपति का, ये रहा भालू, और अभी चलते अंदर। और ये रहा जवान नगर का राजा, लेट्स गो। डेकोरेशन देख लो यार भाई, कब बनाया है, फुल महल बनाया है, एकदम फाइबर स्ट्रक्चर है। अभी चलते और ये रहे जवान नगर के राजा, इनका हाथ सोने का है, पैर चांदी का है।
आई होप यू एंजॉय दिस व्लॉग। और हम लोग ने गोरेगांव ईस्ट और वेस्ट दोनों का गणपति जितना हो सके उतना बताया, छोटे बहुत मैंने एक्चुअली देखा बहुत सारे गणपति लेकिन हाइट पे बहुत छोटे थे, इसके लिए सब गणपति नहीं बताया ब्लॉग में। बाकी जितने बड़े थे जवान नगर का महाराजा इन सब के ब्लॉग में वीडियो बता मतलब बता दिया।